हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है स्टेटिकनिका, जिसमें हम ब्यूटी के प्रोडक्ट और इस तरह के टिप्स लेके आते हैं आपको। हमने बहुत सारा ब्यूटी के प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, इसमें वोव का और वोव के फेस वॉश, वोव का ओनियन हेयर ऑयल और भी बहुत सारे क्रीम्स का हमने रिव्यू किया। तो आज हम जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो वोव का एलोवेरा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साथ साथ हम इसका कंपेयर करेंगे। वोव का एलोवेरा का जो कंपेयर करेंगे हम करेंगे पतंजलि का एलोवेरा के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कौन सा आपको लेना चाहिए, कॉस्ट कंपेयर, किसकी कॉस्ट ज़्यादा है और किस में स्पेसिफिक अच्छा है, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, तो ये हम रिव्यू करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले जो फिलहाल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वो के एलोवेरा के बारे में जाएंगे। जैसे कि आप ये बोतल है, इसकी बनावट देखते हो तो बिल्कुल एलोवेरा की साइज़ की इसकी बोतल की बनावट दिखा रही है, जो आपको देखने में लग रही है। जैसे एलोवेरा का जो कलर होता है, एलोवेरा की जो थिकनेस होती है, मतलब जो भी एलोवेरा का पेड़ होता है, जिस तरह उसकी पत्ती होती है, उस तरह की इसकी बिल्कुल उन्होंने संरचना बनाई हुई है, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो जैसे आपको पता है जो भी वोव का प्रोडक्ट है वो सारा ही डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड होता है, यानी कि ह्यूमन की स्किन पे ऑलरेडी टेस्ट किया होता है, यानी कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा, क्योंकि डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, ह्यूमन की स्किन पर ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, वोव का जो प्रोडक्ट होता है वो सिंथेटिक कलर का यूज होता है, इसमें सिंथेटिक फ्रेगनेंस का यूज़ होता है, यानी कोई भी इस तरह के कलर, कोई भी इस तरह की फ्रेगनेंस, आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं होता है, सिंथेटिक जो भी आपका नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल कलर है और नेचुरल फ्रेगनेंस है वही इसमें यूज होती है, कोई भी इस तरह का अलग से इसमें केमिकल यूज नहीं होता है। और नो सल्फेट नो पैराबिन्स, आपको पता ही है, नो सल्फेट नो पैराबिन्स, कोई भी केमिकल इस तरह का यूज नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, आप ऑयल का यूज़ कर लो, क्रीम का यूज़ कर लो, तो वे कुछ ना कुछ टेक्सचर ऐड कर देते हैं, कुछ कलर ऐड करते हैं, कुछ फ्रेगनेंस ऐड करते हैं, जिससे आपका जो प्रोडक्ट हो अट्रैक्टिव लगता है, टेक्सचर ऐड कर देते हैं, जिससे आप जो भी आप थिकनेस देखोगे तो थिकनेस उसकी अलग अच्छी लगेगी। लेकिन वो के प्रोडक्ट में कोई भी टेक्सचर, कोई भी फ्रेगनेंस इस तरह की ऐड नहीं होती, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं ऐड होता, सभी नेचुरल इसमें प्रोडक्ट है, नो सल्फेट नो पैराफिन्स नो सिलिकॉन कलर ऑयल, कुछ भी इस तरह की केमिकल यूज नहीं होता इसमें, क्योंकि तो आपको पता है वो की जो प्रोडक्ट की खासियत होती है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और बताएंगे आपको। तो दोस्तों जो इसको आप मल्टीपर्पज पर यूज करते हो, यानी कि आप हेयर के लिए भी यूज कर सकते हो और बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है, बहुत सारे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इस पर लिखा हुआ है मल्टीपर्पज ब्यूटी जेल फॉर स्किन एंड हेयर, स्किन में भी यूज कर सकते हो, आप हेयर में भी यूज कर सकते हो। जबकि अगर हम बात करें पतंजलि का हेयर ऑयल, ये खाली आप स्किन पे और हेयर पे दोनों पे यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप तीन चार जगह और भी आप इसको यूज करते हो, जो मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं पतंजलि के हेयर ऑयल की, सॉरी पतंजलि के अगर हम एलोवेरा की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम कॉस्ट कंपेयर करते हैं। जो 45 ml वोव का है उसकी कॉस्ट है 99, और जो 45 ml ही ये है जो बोतल है 45 ml की, इसकी जो कॉस्ट है 45 है, तो दोनों की कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है, यानी कि अगर कॉस्ट की कंपेयर करें तो वोव का जो है प्रोडक्ट है महंगा है। तो दोस्तों अब हम इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, जो आप पतंजलि का यूज कर रहे हैं तो ये आप अपनी स्किन पे यूज कर सकते हो, और दूसरा हेयर, यानी अगर आपके हेयर में डैंड्रफ है या और भी कुछ चीज़ है तो आप हेयर में यूज कर, जो कि इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इस पर हेयर पे और स्किन में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम इस पे वो की स्पेसिफिकली की बात करूँ तो इसको आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। नंबर वन, आप स्किन पे तो यूज कर सकते हो, मॉइस्चर ड्राई स्किन पे आप इसको यूज कर सकते हो। नंबर टू, आप अगर आप हेयर झड़ रहे हैं कुछ भी है तो हेयर में मास्क की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको लगाओगे उसके बाद आप 30 मिनट के बाद अपना हेयर धो सकते हो। नंबर थ्री, आप इसको क्रैकिंग हील्स, अगर आपकी हील्स क्रैक हो रही है, यानी कि आपकी अगर जो एडी है वो पट रही है, उसमें भी आप इसको यूज करते हो। नंबर फोर, अगर आप रेजर करते हो, आप शेविंग करते हो उसके बाद भी आप इसको यूज करते हो, अगर आपका रेजर करने से कहीं बर्न हो जाता है, कट जाता है, तो उसके बाद भी इसको यूज कर सकते हो। और नंबर फोर मैं आपको इसको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, मास्क मैंने बता दिया आपको, और बूस्ट एजिंग स्किन, एजिंग स्किन को भी यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन थोड़ी, आपको लग रहा है कि एजिंग हो रही है, थोड़ा से आपकी जो स्किन है आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हार्ड हो रही है, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। और चौथा पांचवा की पॉइंट मैं इसको बताता हूँ कि आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आप लेडीज हो तो आप वो करते हो, क्या नाम है दोस्तों, इसको आप प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हो, जो कि लेडीज यूज करती है। और दूसरा एंटी एजिंग जो मैंने बात की थी, यानी कि अगर आपके स्किन पर रिंकल है या लाइन पड़ रही है तो वहाँ भी आप इसका यूज करते हो। यानी कि अगर हम कंपेयर करें पतंजलि के एलोवेरा की, तो पतंजलि का तो यूज खाली आप स्किन के लिए और हेयर के लिए यूज करते हो, जबकि इस प्रोडक्ट को आप क्रैकिंग हील्स, रेजर और बहुत सारी जगह आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही सिंथेटिक है, कोई भी इसमें इस तरह केमिकल यूज नहीं है। और दोस्तों मैंने दोनों प्रोडक्ट का टेस्ट किया, दोनों ही मैंने प्रोडक्ट अपने हाथों पे लेकर देखा है, तो दोनों मैंने कलर डिफरेंस दिख रहा है,
अगर इसकी अगर हम निकाल के देखेंगे तो आप इसको थोड़ा जो कलर है जो ग्रीन दिखाई देगा, जबकि इसका कलर बिल्कुल नेचुरल वाइट दिखाई देगा। जैसा कि आप अगर एलोवेरा के पेड़ से भी जो जूस निकालेंगे बिल्कुल नेचुरल इस तरह का दिखाई देगा जो वो का दिखा रहा है। और इसमें थोड़ा सा कलर ऐड है, इसमें स्पेशल लिखा हुआ है विटामिन ई परमिटेड कलर, यानी कलर इसमें ऐड हुआ है, एंड सुगंधित द्रव्य है। और एक सुगंध भी इसके अंदर आएगी, अगर आप इसका यूज करते तो आपको एक सुगंध आएगी हल्की हल्की सी, फ्रेगरेंस आएगी। लेकिन इसमें कोई इस तरह की सुगंध नहीं है, क्योंकि कोई भी कलर कोई भी फ्रेगरेंस इसमें ऐड नहीं किया है, यानी नेचुरली इसके अंदर है। इसमें स्पेशल इस लिखा हुआ है कि कोई नो कलर फ्रेगरेंस नो पेरमिट कलर, कुछ भी इस तरह का यूज नहीं है। जबकि पता नहीं इस लिखा हुआ है कि सुगंधित द्रव्य हमने इसमें यूज किया और आर्टिफिशियल कलर भी इसमें यूज किया, तो दोनों में डिफरेंस ये है, इसलिए दोनों की कॉस्ट अलग है क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। जबकि हम मैं से काफ़ी टाइम से लगभग 1 ईयर से यूज कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी यूज करती है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आप, लेकिन लेने हो अगर आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए तो, और आपको मल्टीपर्पज प्रोडक्ट चाहिए तो वो का प्रोडक्ट से बेटर कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो वो का प्रोडक्ट के लिए जा सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इस तरह की ब्यूटी के प्रोडक्ट मैं आपको लेकर आता हूँ, तो दोस्तों चैनल को लाइक करें।